Realme ने लॉन्च किए हैं दो ऐसे मोबाइल फोन जो दिखने में बिल्कुल सेम है, दोनों एकदम हम शकल है, पर दोस्तों यहाँ पे प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है और अंदर जो चीजें हैं वो काफी सारी सिमिलर भी है। तो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई अगर इन दोनों मोबाइल में से मुझे एक मोबाइल फोन लेना चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए। इन दोनों मोबाइल्स को मैंने अच्छी तरह से यूज किया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन दोनों के प्राइस के बारे में। तो राइट हैंड के अंदर हमारे पास जो है वो है Realme 11 5G, इसके प्राइस मिलती है आपको 19,000 रुपए। अगर 256 के अंदर चाहिए तो 20,000 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और यहीं पर लेफ्ट हैंड के अंदर हमारे पास है Realme 11X, इसकी प्राइस आपको 15,000 रुपए मिल जाती है और ये आपको 628 के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिखने के अंदर अगर कोई भी इन दोनों मोबाइल फोन को देखेगा तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये 11 है और ये 11X है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं पता लगा सकता। तो यहाँ पर डिजाइनिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने दोनों ब्लैक कलर के अंदर चूज किया ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि यार डिजाइनिंग में अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाने। तो यार अगर हम Realme 11 के थोड़े से ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से यार कस्टमर को चाहिए कि डिजाइनिंग में थोड़ा अलग हो, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे मोबाइल को देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ये तो Realme 11 अक्स ही होगा 14-15 हजार रुपए का। तो जो हम 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं? तो अभी जो कंपनियां लॉन्च कर रही है वो एकदम सिमिलर, एकदम सेम फोन लॉन्च कर रही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे अंदर से चेंज कर देते हैं, 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा हमसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग में दोनों बिल्कुल सेम है और बॉक्स के अंदर दोनों के ही सब कुछ मिल जाता है, चार्जर वगैरह, कवर वगैरह, आपको बाहर से कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। पर जो चार्जर है ना वो Realme 11 के अंदर बॉक्स के अंदर 80 वोल्ट का मिलता है पर सपोर्ट 67 वोल्ट ही करता है, और Realme 11 अक्स जो है इसके अंदर आपको सिर्फ 33 वोल्ट का चार्जर मिलता है। हाँ, ये एक बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है दोनों ही फोन के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पे 3-4 हजार एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो है यहाँ पे सबसे पहला इसका चार्जर, जो कि काफी स्पीड से आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा, और जो बैटरी है वो दोनों की बिल्कुल सेम है, बैटरी दोनों की 5000 mAh देखने को मिल जाती है। अगर बात करूं दोनों की यहाँ पे डिजाइनिंग की, कैमरा मॉड्यूल की, पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड राइट साइड के अंदर आपको वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं और पावर बटन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर 19-20 हजार रुपए लग रहे Realme 11 के तो इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल सकती थी और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो डिस्प्ले के अंदर भी दिया जा सकता था। और नीचे की साइड में दोनों के अंदर देखोगे स्पीकर मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको बता दूं ड्यूल स्पीकर नहीं है, मोनो स्पीकर्स हैं। और नीचे की साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक और नीचे दोनों के आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है जिसे आप ईयरफोन वगैरह लगाकर आसानी से यूज में ले सकते हो। लेफ्ट साइड के अंदर आपको सिम स्लॉट मिल जाती है और ऊपर की साइड में दोनों के ही वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। अगर साइज वगैरह भी देखेंगे बिल्कुल दोनों की सेम है, और अगर वेट की बात करूं ना तो भी दोनों का बिल्कुल सेम है, 190 ग्राम है। तो यहाँ पे वेट वगैरह सब कुछ सेम है, तो यार ये चीज तो हमें भी समझ में आनी चाहिए कि यार ये सब कुछ सेम होकर भी इनकी प्राइस अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोस्तों वो चाहते हैं कि मॉडल अलग अलग कर दिया जाए और अच्छा खासा बेचा जाए, ये नहीं बिकेगा तो ये तो बिकेगा ही। तो इसीलिए बस सब कुछ ये चाल चल रही है आजकल की कंपनियां। आजकल कंपनियां बिल्कुल भी मोबाइल्स के अंदर डिफरेंस नहीं दे रही, बस प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं। और अगर बात करूं इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में ना, तो डिस्प्ले भी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम मिल जाती है, 6.72 इंचेस की IPS LCD मिलती है दोनों के अंदर ही, और दोनों के अंदर ही 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है और 180Hz आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले भी आप देखोगे दोनों की, आप अगर मूवीज वगैरह देखोगे बिल्कुल सेम है, 4K का दोनों के अंदर ही सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यार कम से कम Realme 11 अक्स के अंदर नहीं, तो यहाँ पे Realme 11 के अंदर तो थोड़ी सी डिस्प्ले को बढ़ाया जा सकता था, थोड़ा चेंजेस किया जा सकता था, पर नहीं दोस्तों, एकदम डिट्टो दोनों के अंदर बिल्कुल एकदम डिट्टो कॉपी कर दिया गया। तो डिस्प्ले भी दोनों की बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर ही आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं दोनों के ही प्रोसेसर के बारे में कि यार प्रोसेसर में तो डिफरेंस होगा यार, इतना ज्यादा पैसे लग रहे हैं Realme 11 के तो यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा भारी होगा। तो प्रोसेसर भी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम मिलता है, MediaTek Dimensity 6100 प्लस दोनों के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसेसर है, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई भारी प्रोसेसर है, यहाँ पे नाम देने से कोई भारी नहीं हो जाता, दोनों का प्रोसेसर जो है वो सेम है, एंटीटू स्कोर वगैरह सब कुछ सेम आता है। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे हाई लेवल की गेमिंग वगैरह करनी है, यार अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए आपको अच्छी एडिटिंग वगैरह के लिए, तो भाई साहब मैं आपके लिए दोनों मोबाइल फोन ही सजेस्ट नहीं करूंगा, दोनों मोबाइल का प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। मेरे हिसाब से यार Realme 11 के अंदर थोड़ा प्रोसेसर बढ़ाया जा सकता था, परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ाई जा सकती थी, जबकि पैसे ज्यादा लग रहे हैं, पर यहाँ पे दोनों के अंदर चीज बिल्कुल सेम मिल रही है। बस जो पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ये कि ये 8/128 के अंदर आता है, तो भाई साहब हम रैम का क्या करेंगे जब प्रोसेसर ही हमें हल्का दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर भी यहाँ पे थोड़ा हल्का है प्राइस के हिसाब से, Realme 11 अक्स का सही है इसकी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 14,000-15,000 रुपए के अंदर ये प्रोसेसर ठीक है,
पर यहाँ पे 20,000 रुपये के अंदर ही भी यही सेम प्रोसेसर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कंजूसी की गई है Realme की तरफ से। और एक जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी वो है इसके अंदर एड्स। दोस्तों आप जहां भी देखोगे हर जगह एड्स एड्स देखने को मिल जाते हैं बिना मतलब कि यहाँ पे काफी सारे एप्स डाउनलोड हो जाते हैं उसके ऊपर क्लिक होते ही। तो दोस्तों ऐसे फीलिंग आती है जैसे ये हमारा मोबाइल नहीं है कोई दूसरे का मोबाइल है वो अपनी मनपसंद से यहाँ पे ऐप वगैरह डाल रहा है। तो यार ये मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। अगर मेरी वीडियो ये कोई रियलमी का बंदा देख रहा है तो उसको ये चीज सुधारनी चाहिए और अगला जो अपडेट आए उसके अंदर ये चीज हटा देनी चाहिए ताकि जो भी मोबाइल खरीदे उसको लगे कि भाई साहब ये हमारा ही मोबाइल है। ऐसे लगता है कि यार पता नहीं ये ऐप कहाँ से आ गया, इसको डिलीट करते हैं तो ये आ जाता है, इसको डिलीट करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये एक रियलमी की तरफ से एक बड़ी गलती है। और दोनों ही आपको पता होगा 5G है तो उसके अंदर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब जो मेन बात है इन दोनों की वो है इन दोनों का कैमरा। यार कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है क्योंकि रियलमी 11 के अंदर जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का दिया गया है। जी हाँ दोस्तों नाम इतना बड़ा है कि 108 मेगापिक्सल और मेन कैमरा है कि ये 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा और मिलता है जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं है। और जो Realme 11 X है इसके अंदर आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का जो है बैक कैमरा वो मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। Realme 11 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है जबकि 11 X के अंदर आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यार आपको पता होगा हम मेगापिक्सल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, इसलिए मैंने काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक किए जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके कि यार इनका कैमरा कैसा है, क्या एक्चुअल में डिफरेंस है या फिर ऐसे ही नाम का दिया गया है। तो चलिए मैं आपको काफी सारी फोटोज दिखाता हूँ, आप ये फोटोज देख लीजिए। यार अगर आपने ये फोटोज देखे हैं तो सच कहूं तो मुझे इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे 108 जितना नाम है उतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का कैमरा लगभग सेम है, थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह ज्यादा देखने को मिल जाती है Realme 11 के अंदर और कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के ही कैमराज के अंदर। चाहे फ्रंट कैमरा की बात करूं चाहे बैक कैमरा की बात करूं यहाँ पे कैमरा दोनों का लगभग सेम है, बस यहाँ पे मेगापिक्सल जो नाम का है वही दिया गया है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक मेन जो चीज अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों के अंदर ही हम 1080 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, कम से कम 60 FPS तो देना ही चाहिए था यार Realme 11 की 20,000 रुपए लेने पर। इसके अंदर ना तो 4K का ऑप्शन है, 4K छोड़ो यहाँ पे 1080 60 FPS का भी ऑप्शन नहीं है। तो यार अगर आप कैमरा पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों का यहाँ पे सेम सा है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यार ये था मेरा कंपैरिजन। अगर आप बड़े यूट्यूबर्स का कंपैरिजन वगैरह देखो तो हो सकता है उन्होंने प्रमोशन के अंदर इन दोनों की वीडियो बनाई हो सकता है वो बुराई ना कर सके, पर हम जो भी वीडियो बनाते हैं एकदम मतलब रियल बनाते हैं, सच बनाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, हम खुद अपने पैसों से इन मोबाइल्स को अरेंज करते हैं और फिर आपको कुछ अच्छा सा यहाँ पे रिव्यू अच्छा सा कंपैरिजन देने की ट्राई करते हैं। जो मैंने देखा वो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से अगर आपका मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपके लिए Realme 11 X ही सजेस्ट करूंगा ताकि आपके पैसे भी बच सके और यहाँ पर अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। अगर आप इसके 20,000 रुपए देते हो तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेन तो इसकी डिजाइनिंग ही यहाँ पे हो जाती है कि कोई भी देखता है तो यार ये तो Realme 11 X है, कोई ऐसे बोलेगा ही नहीं कि Realme 11 है। और अगर ऐसा होता कि भाई बाहर से तो चलो कोई दिक्कत नहीं अंदर से अच्छा हो तो भी देखिए तो अंदर से भी लगभग सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा अगर आपको चाहिए कि मुझे 20,000 रुपए के अंदर ही मोबाइल चाहिए तो इस प्राइस के अंदर और भी आपको काफी सारे मोबाइल्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आप अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अच्छे खासे गेम वगैरह खेल सकते हो। तो यार आपको इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम ऐसे ही होनेस्ट रिव्यू और कंपैरिजन करते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।